लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर एक बार फिर सुनवाई करने जा रहा है। 1 मई यानी बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को लेकर बड़ी सुनवाई होने वाली है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर होने वाली सुनवाई के क्या मायने हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले फैसले को चुनौती दी गई है। बता दें कि बीते 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था और केंद्र सरकार के इस फैसले को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया था, लेकिन कोर्ट से अपने इस फैसले पर फिर से समीक्षा करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच इस मसले पर 1 मई को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था, लेकिन समय समय पर सरकार के इस फैसले को चुनौती दी जाती रही है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर अपना रुख भी साफ किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने का पूरा अधिकार है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में शामिल होने के बाद उसने संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा, ऐसे में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखे जा सकते। लेकिन अब एक बार फिर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, इसलिए लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। राज्यसभा में उसी दिन इस विधेयक को पारित भी कर दिया गया था। वहीं 6 अगस्त 2019 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था और उसी दिन वहां से भी ये पारित हो गया, जिसके बाद 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हट गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।